नमस्कार, स्वागत है आपके अपने मिक्स रसोई रेसिपी चैनल में। आज हम बना रहे हैं खिचड़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट होती है। तो हम बना रहे हैं सगनों वाली खिचड़ी, जो हमारे तो इसे कई त्योहारों में बना के खाई जाती है। तो लोहड़ी पे खाई जाती है, संक्रांति पे भी बनाई जाती है। तो हम इसको बनाएंगे और काफ़ी जल्दी बन जाती है। इसके लिए हमने ली थी, यहाँ पर हमने आधी कटोरी दाल ली थी इस वाली कटोरी से। दाल फूल कर डबल हो गई है, आप देखिए। और बिल्कुल अच्छे से हमने इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रखी थी। तो हम आपको तोड़ के ही बता देते हैं कि यहाँ पे हमने चावल लिए हैं। हमने यहाँ पे बासमती चावल यूज़ किए हैं, आप चाहे कोई से भी चावल ले सकते हैं। हमने यहाँ पे इस कटोरी से हमने एक कटोरी चावल लिए थे। फूल कर डबल हो गए हैं 2 कटोरी के बराबर, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों की मात्रा सेम रखी है। सगनों वाली खिचड़ी बनाने के लिए हमने और ये सामान लिया है। तो इसमें लिया है हमने नमक 1 चम्मच। इसी के साथ में हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। खड़े मसाले में 2 तेज़पत्ते हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 लौंग है, 2 से 4 काली मिर्च है, 1 दालचीनी टुकड़ा है, 2 छोटी इलायची हैं। यहाँ पे हमने 1 साबुत लाल मिर्च ली है और यहाँ पे हमने 1 आधी चम्मच स्याही जीरा लिया है। इसी के साथ हमने 1 पिंच हींग ली है। तो यहाँ पे हमने 2 प्याज ली थी, हमने उनको लम्बा लम्बा काट लिया है इस तरीके से। इसी के साथ में हमने लहसुन लिया है, लहसुन को हमने काट नहीं, हम इस तरीके से ही डालेंगे। यहाँ पे अदरक का 1 टुकड़ा था, हमने उसको काट लिया इस तरीके से लंबा लंबा। वैसे तो हम कुकर में बनती है खिचड़ी, लेकिन आज हम नॉनस्टिक कढ़ाई में बना रहे हैं, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई लिया, हम इसमें 2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे। आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्याही जीरा का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं खाते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। तो इसके साथ में हम 2 तेज़पत्ते डालेंगे। यहाँ पे जो खड़े मसाले हैं हम उनको डाल देते हैं। छोटी इलायची को हम थोड़ा सा खोल के डालेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए इस तरीके से। और जो बड़ी इलायची है इसको भी हम खोल के ही डालेंगे। इन मसालों को हम थोड़ा भूनने देंगे। जीरा तड़कने लगा है, इसी के साथ में हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन के साथ में ही हम अदरक डाल देंगे। अदरक लहसुन को अच्छा भून लेंगे थोड़ा गोल्डन होने तक। इसी के साथ हम खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे। एक इसके साथ में हरी मिर्च डाल देंगे, जिसको हमने बीच से काट लिया था। इन मसालों को अच्छे से भूनने देंगे। मसाले भून चुके हैं तो हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं, जिसको हमने लंबा लंबा काट लिया था। आप चाहें तो प्याज को थोड़ा बारीक करके भी डाल सकते हैं। तो हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूत तलना है। आप इसको प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक तलने भून लें इसी तरीके से। हम यहाँ पे टमाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्याज को बीच बीच में चलाते रहें ताकि जले ना। प्याज भुन चुकी है तो हमने दाल का पानी निकाल दिया है, हम दाल को डाल देते हैं। मसाले को आप दाल के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। इसको
ताकि जो खड़े मसाले हैं उनका टेस्ट इसमें आ सके। एक से दो मिनट हो चुके हैं तो हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। दाल को हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं क्योंकि दाल थोड़ी देर में पकती है, तो दाल अच्छे से पक जाएगी। इसके बाद ही हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इसे हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, दाल चेक कर लेते हैं। देखिए दाल अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें चावल ऐड कर लेते हैं जिनका हमने पानी निकाल दिया था। अब इन दाल चावल को अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कर लें ताकि चावल है टूटे ना। 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही ना चला लें। एक से दो मिनट हो चुके हैं तो अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 कटोरी पानी लेंगे। जिस कटोरी से हमने चावल नापे थे उसी कटोरी में पानी 4 कटोरी डालेंगे। पानी हमने डाल दिया, चावल को मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें उबाल आने तक इसको छोड़ देंगे। ऐसे ही उबाल आ चुकी है तो हम इसमें 1 चम्मच अचार का मसाला डालेंगे। लाल मिर्च का अचार का मसाला है, घर का बना हुआ मसाला है। आप चाहे तो रेडीमेड मसाला भी डाल सकते हैं। हम मसाले को मिक्स कर लें, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर देगा। उबाल आ चुकी है तो हम इसे कवर कर देते हैं कम से कम 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। ये पक चुकी है, चावल भी अच्छे से गल गए हैं और दाल भी अच्छे से गल गई। हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे हम 1 मिनट के लिए इसी तरीके से कवर कर देंगे ताकि जो इसका पानी है अगर रहे तो थोड़ा सा उड़ जाए। 1 मिनट हो चुका है तो एक बार और अच्छे से चेक कर लेते हैं। हमने गैस को बंद कर दिया था। अब देख सकते हैं कितनी खिली खिली बनी है। देखिए ना, सगनू वाली खिचड़ी बनकर रेडी है। इसे आप चटनी के साथ, दही के साथ सर्व खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते कि आपको सगनू वाली खिचड़ी हमारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।